हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत इस नए वीडियो में। बात करने वाले हैं हरियाणा में ग्रुप डी की शानदार वैकेंसी आ चुकी है। जी दोस्तों, 13,536 पदों पे ग्रुप डी की वैकेंसी है। हरियाणा के जितने भी डिपार्टमेंट है, कमीशन है, या जो भी अथॉरिटीज है, एजेंसी है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, उन सभी जो है डिपार्टमेंट में ग्रुप डी की वैकेंसी जो है जारी कर दिया गया है, जो भी वेरियस डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो देख सकते हैं 13,536, तो भारी मात्रा में वैकेंसी है। और इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि यहाँ पे जो भी है, देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम भी डिस्कस करेंगे, बोला गया है कि कॉमन फॉर ऑल ग्रुप डी पोस्ट एक्सेप्ट स्वीपर चौकीदार, स्वीपर कम चौकीदार, मतलब जो है स्वीपर झाड़ू मारने वाला चौकीदार जो है रखवाली करने के लिए, या स्वीपर कम चौकीदार जो दोनों काम करे, इन तीनों पोस्ट के छोड़ के जितने भी ग्रुप डी की वैकेंसीज होती हैं उन सबका यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। और यहाँ पे एक चीज और बोला गया कि आपकी उम्र जो है 18 से 42 रहेगी तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो उम्र सीमा भी आप देख सकते हैं काफी जो है अच्छा है, 18 से 42 वाइड रेंज ऑफ उम्र सीमा दिया गया है, जिसमें कई सारे बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, काफी मात्रा में फॉर्म भर जा सकते हैं। अब यहाँ बोला गया कि मैट्रिक आप पास है तो आवेदन करेंगे, हिंदी या संस्कृत जो है कम से कम एक सब्जेक्ट आपके मैट्रिक लेवल में होने चाहिए, या तो हिंदी या संस्कृत। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है। हम इस भर्ती की सारी जानकारी को बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट जो है नोटिफिकेशन के बारे में कि कब आपका जो है यहाँ पे आवेदन शुरू होंगे, ये सब आपके बारे में हम बताते हैं। उसके बाद हम बताएंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और भी जो भी सारी चीजें हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर ही बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट आपको जो है हमेशा इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। और देखिए, इस भर्ती का जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम के बेस पे होगा। जी हाँ दोस्तों, रिटन एग्जाम। तो इम्पोर्टेंट डेट आप देख सकते हैं 30 मई के डेट में जो है इसका नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, और ऑनलाइन जो शुरू होगा 5 जून को शुरू होगा। तो 5 जून को मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा, कैसे फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता दूंगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। और 26 जून तक आप फॉर्म भरेंगे, और फी डिपॉजिट अगर आप छोड़ देते हैं लास्ट स्टेप में होगा तो 30 जून तक जो आप फी डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है कि हम किस पेज पे जो है क्या जानकारी दिए हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं सारी जानकारी को। और हाँ, देखिए, अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करके जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने स्तर से भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा वो कौन करेगा, तो हरियाणा एसएससी यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है एग्जाम टेस्ट कंडक्ट करे जाएंगे, जो ग्रुप सी एंड डी टाइप की वैकेंसी यहाँ पे रहती है। तो ये वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। यहाँ पे देखिए बोला गया कि 13,536 पोस्ट पे ग्रुप डी के वेरियस डिपार्टमेंट, कमीशन, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, अथॉरिटीज, एजेंसी, कॉर्पोरेशन सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जितने भी मतलब ये डिपार्टमेंट है उनमें जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे जो है फॉर्म भरने की जानकारी बताई गई है, किसको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये जानकारी यहाँ पे बताई गई है। तो ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी अदर स्टेट से कोई फॉर्म भर रहा है उनको यहाँ पे छूट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बोला गया है एज रिलैक्सेशन, मतलब आपकी उम्र सीमा में छूट। यहाँ पे देखिए जो है अपर एज में लिमिट जो है 42 वर्ष है। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पे एसटी से कोई आएगा, एससी से, तो 5 साल का रिलैक्सेशन और उनको मिल जाता है। इसके बाद से और यहाँ देखिए बैकवर्ड क्लास से कोई आएगा तो 5 साल का रिलैक्सेशन उनको और मिल जाता है। तो इस तरह से विकलांग है तो और उनको एज में छूट मिल जाता है अपर एज में 18 से 42। जो जनरल है, जो अनारक्षित है उनके लिए है, लेकिन जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी 5 साल के लिए यहाँ पे छूट मिल जाता है। विकलांग है तो वो किस तरह के कैंडिडेट्स हैं, विकलांग तो आवेदन दे सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी बताई गई है। फी यहाँ पे हम बात करते हैं कि फी कितना है फॉर्म भरने के लिए। ग्रुप डी के लिए ओनली फ्रेश कैंडिडेट्स हैव टू पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी एज अ अंडर। अब जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे फॉर्म भरेंगे उनको जो है कितना रुपया यहाँ पे फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ दो स्लैब बना हुआ, एक है रेसिडेंस ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा के निवासी है उनके लिए यहाँ पे क्या मिलेगा फी, इसके वजह से जो नॉन रेसिडेंस है हरियाणा के उनके लिए यहाँ पे जो है क्या यहाँ पे रहेगा फी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, अगर कोई जो है आधार नंबर प्रोवाइड करता है तो उनका फी इतना हो जाएगा, अगर कोई आधार नंबर नहीं प्रोवाइड करता है तो उनका फी इतना हो जाएगा। तो इसमें भी है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। इसके वजह से जो है एक्स सर्विस मैन के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पे बोला गया है फीमेल के लिए एप्लीकेशन फी कितना है। अब आजकल जो भी एग्जाम हो रहे हैं ना, सब में जो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मांगा जा रहा है, तो जो लोग आधार कार्ड प्रोवाइड करेंगे उनका फी जो है हमेशा कम लगेगा, और जो लोग आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे फॉर्म भरते समय उनका फी जो है हमेशा हाई रहेगा। अब जैसे बिहार टीचर की वैकेंसी निकाली गई, उसमें भी
बोला गया कि अगर आप आधार नंबर देंगे तो आपको 200 रुपए कम फी लगेगा, आधार नंबर नहीं देंगे तो 200 रुपए एक्स्ट्रा फी लगेगा बायोमेट्रिक के लिए। तो ये यहाँ पे जो है आपको स्लैब बने हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप बोला गया हु बिलोंग टू एससी एसटी बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस, उनको 250 रुपए एप्लीकेशन फी है, और अगर आधार कार्ड नहीं देते हैं तो 500 रुपए, अदर जो है स्टेट के लिए 500 रुपए, और जो आधार कार्ड नहीं देंगे उनके लिए 1000। इस तरह से स्लैब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी के लिए बना हुआ है, फॉर्म भरने के लिए जो फी है। अब यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया समझा देते हैं आपको, सिलेक्शन क्राइटेरिया एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो यहाँ देखिए, इसमें आपको जो है बोला गया है कि सिलेक्शन जो होगा ग्रुप डी के पोस्ट पे, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेस पे आपके क्वेश्चन सारे रहेंगे। मैट्रिकुलेशन में आपके जितने भी होते हैं सब, मतलब विषय पढ़ने होते हैं, उसी के बेस पे जो है आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा। इसमें आपका बोला गया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 95% का, और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है 5% रहेगा। तो यहाँ पे सीईटी मार्क्स जो है यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है फॉलो। अब एक्सप्लेनेशन बोला गया है, सीईटी मार्क्स जो है यहाँ पे बोला गया है कि मींस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेंट, इसके वजह से सीईटी स्कोर मींस सीईटी मार्क्स प्लस मार्क्स ऑफ साइको, मतलब जो है अगर आप कोई बोलता है कि सीईटी मार्क्स और सीईटी स्कोर में क्या अंतर, तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन करके इन्होंने बताया हुआ है। अब इसमें ये भी बताया गया है कि जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहाँ पे आपको बताया गया है सारा चीज, यहाँ पे बताया गया डिटेल्स ऑफ सिलेबस। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस से आएंगे क्वेश्चन, इसमें आपको 15% वेटेज भी दिया गया है। इसमें जनरल साइंस से है, रीजनिंग से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, इसकी वजह से जो है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, इसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे आप समझ गए, इसकी वजह से जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा से क्वेश्चन रहेंगे, ये सब है। तो ये सारे जो है क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, रिटन एग्जाम के बेस पे आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब इसमें बोला गया है कि जो आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो दो पार्ट्स में रहेगा, एक 75 मार्क्स के रहेंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिविटी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब रहेंगे। 25% का जो मार्क्स होगा उसका पे हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी, एनवायरमेंट और कल्चर ऑफ हरियाणा से जो है क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो डिटेल में अगर आपको जानना है तो एक बार आप इस नोटिफिकेशन को भी अच्छे से पढ़ें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हाउ टू अप्लाई, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे बोला गया कि इस वेबसाइट से आपको फॉर्म को भरना है, इस एड्रेस पे आपको जो है लिंक मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने होंगे फॉर्म भरते समय, तो जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको एकेडमिक वाला, जैसे 10वीं यहाँ पे एसेंशियल है, 10वीं का जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, आपको जो है स्कैन फोटोग्राफ लगेगा जो 2 इंची बाई 2 इंची का जेपीजी में होना चाहिए, सिग्नेचर लगेगा, और स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हायर क्वालिफिकेशन है वो भी अगर आप शो कर रहे हैं तो उसको भी आपको देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो लगाइएगा, नहीं है तो छोड़ देंगे, ये सब आपके जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं फॉर्म भरते समय। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे दिया गया, आप एक बार जरूर पढ़ेंगे। अगर आप एक इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप जो है इस नोटिफिकेशन को अपने स्तर से भी एक बार जरूर पढ़िए। यहाँ नीचे में जो है एनेक्सर दिया गया है कि जो भी छूट वगैरह लेता है वो किस तरह से जो है डॉक्यूमेंट्स को अपना बनवाएगा। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी फ्रेंड्स, मैं कहूंगा अगर आप इस तरह के कैंडिडेट्स हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और सैलरी लेवल भी आपको बहुत ही अच्छा खासा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल जो है आपका पे स्केल देख सकते हैं, 16,900 से लेकर 53,500 प्लस जो है आपके जो भी अलाउंसेंस वगैरह है वो सब आपको जो एप्लीकेबल होगा। तो आपकी सैलरी जो है स्टार्टिंग लगभग 20,000 प्लस जो है रहने वाली है, ठीक है ना, जो भी अलाउंसेंस वगैरह ऐड करके। और आप हर साल वृद्धि भी होती है आप सबको पता है, और गवर्नमेंट वैकेंसी है, ग्रुप डी की ही है लेकिन जो है गवर्नमेंट है, तो बहुत अच्छा है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को जरूर भरिएगा, शानदार वैकेंसी है मेरे हिसाब से, और ऑल इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ